नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। पीपी किट फेस कवर इसके साथ हैं और इन्होंने लिखा है कि राखी बांधे, प्रधानमंत्री जी के हाथों पे राखी सजे और उनकी उम्र शतायु हो। मैं जया सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा, वाराणसी में पोस्टेड हूँ। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है आपका? ये चूँकि आज कार्यक्रम हमारा राखी को, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को राखी भेजने का कार्यक्रम था, तो उसमें हमारे समूह की महिलाएं जो हैं, समूह की करीब 25-26 समूह हमारे लगे हुए हैं, 60-70 महिलाएँ लगी हुई हैं जो दिन रात राखी बना रही हैं। और इस राखी को बनाने के पीछे जो उनकी संकल्पना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का ही है, जिसमें जिससे कि ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करते हुए और चाइनीज़ राखियों की जगह स्वदेशी निर्मित राखियाँ और ख़ास करके हमारे समूह की महिलाओं की निर्मित राखियाँ ही जो है लोग बांधे, जिसमें हमें व्यापार मंडल का भी काफ़ी सहयोग मिला, जिला प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग मिला, जिसके माध्यम से हम बनारस के लगभग काफ़ी बाज़ारों में अपनी बनाई हुई राखियां हम दे चुके हैं। करीब 20-22 हज़ार राखियां अभी तक हम लोग दे चुके हैं, मार्केट में जा चुकी हैं और इसके अलावा अभी और राखियाँ कंटिन्यूस बन रही हैं। अभी 3 तारीख तक तो बनेंगी ही राखियाँ हमारी। और अभी चूँकि इस साल अभी पहला प्रयास था तो हम लोगों ने केवल यहीं पे बनारस में ही राखियाँ भेजी हैं। अगले साल हम लोग न केवल बनारस में ही बल्कि अगल बगल के ज़िलों में भी अपनी बनाई हुई राखियों को भेजेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट हम कवर कर सकें और इन महिलाओं को जितना ज़्यादा मार्केट कवर होगा उतना ज़्यादा इन महिलाओं को फ़ायदा होगा और ये महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी।